नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जियोग्राफी के सेकेंड ईयर के छात्रों का जो पेपर है वो कल है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो पूरा पेपर था वो सारा का सारा पेपर पूरा मैच हुआ है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे पेपर की, तो आज के पेपर में जो आज आपका पहला पेपर था उसमें सारे सवाल आपके मैच हुए हैं। जो टिप्पणी के सवाल आए थे, अगर जिन्होंने लॉन्ग पढ़ा होगा वो टिप्पणी भी कर लिए होंगे। आज सेकंड पेपर का गेस है। सेकंड पेपर में आप देख लीजिए, पहला यूनिट में प्रायद्वीपीय भारत की संरचना और उच्चावच की विवेचना कीजिए, ये पहला सवाल है। भारत में मृदा प्रकारों और इसके भौगोलिक वितरण की विवेचना की, ये पहले यूनिट से सवाल है, यानी प्रायद्वीपीय संरचना और मृदा प्रकार। सेकंड यूनिट से आपका सवाल है, भारत में लौह अयस्क के वितरण, उत्पादन एवं उपभोग का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी लौह अयस्क से सवाल है। दूसरा है, भारत में कृषि विकास में हरित क्रांति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरी यूनिट से जो सवाल है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति एवं विकास के कारकों की विवेचना कीजिए और अथवा में भारतीय जनसंख्या की प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को प्रस्तुत कीजिए, यह आपका तीसरी यूनिट से सवाल है। चौथी यूनिट से सवाल है, भारत में नगरीकरण का अभिनव प्रवृत्तियों की विवेचना करिए। और इसका दूसरा है, भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए, यह आपका चौथी यूनिट से सवाल है। टिप्पणी की बात करें तो भारत में मृदा अपरदन की समस्या, भारत में श्वेत क्रांति, मलिन व बस्तियाँ, बहुस्तरीय नियोजन, भारत में नगरीकरण की समस्याएँ, भारतीय संघवाद के आधार, हिमालयी अपवाह का उद्भव, डक्कन ट्रैप, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों को पहचानिए, स्थानीयकरण के कारक, ये आपकी टिप्पणी के सवाल हैं। ये पूरा सवाल है और थोड़ा सा शायद पैटर्न कोई बता रहा चेंज था। आज का पेपर जैसे है वैसे कल का भी पेपर आएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना, भारत में मृदा के प्रकार, भारत में लौह अयस्क, भारत में कृषि विकास, भारत में सूती वस्त्र उद्योग, भारतीय जनसंख्या, भारत में नगरीकरण की अभिनव प्रवृत्तियाँ, भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण पर निबंध, ये आप इतना तैयार कर लिए, इसमें से सवाल आपका आ जाएगा, बाकी आप कवर करके पूरा जाइए। धन्यवाद।